दोस्तों अभी के वक्त में हमारा मोबाइल बेकार है बिना सिम कार्ड के, मतलब उसके बिना ना हम किसी को कॉल कर सकते हैं, ना कॉल रिसीव कर सकते हैं, ना किसी को एसएमएस भेज सकते हैं, ना इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मोबाइल बिना सिम के फिर हम वाईफाई से इंटरनेट लेके यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन फिर कॉल वॉल रिसीव नहीं कर सकते। आप कहोगे व्हाट्सअप से यूज़ कर लेंगे, लेकिन ठीक है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कुछ कंपनियों का मानना, जैसे कि वन वेब, वो अपना कमर्शियल सेटेलाइट सर्विस लाना चाहती है। वो कहते हैं कि आने वाला फ्यूचर सैटकॉम का होने वाला है, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड टेलीकॉम सर्विसेज का होने वाला है, जिसके अंदर जियो ने भी अपना सैटेलाइट सर्विस शुरू करने का कह रखा है, अमेज़न के ऊपर भी है और स्टारलिंक भी है। तो ये हैं कंपनियां कुछ जो कि इंडिया के अंदर सैटकॉम बेस्ड टेलीकॉम सर्विसेज लाना चाहती हैं, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहती है। तो भाई वो नहीं बनेगा तब तक स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और जब तक वो नहीं होगा तो ये सर्विसेज इंडिया के अंदर शुरू नहीं होंगी। तो इस वजह से ये अटकी पड़ी हैं, और ऊपर से इनको और भी ज़्यादा सैटेलाइट भेजनी पड़ेगी अपने सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ पर इनका मानना यही है कि आने वाला फ्यूचर सैटकॉम का हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर फ्यूचर सैटकॉम का होगा तो भैया स्टारलिंक तो कई कंट्री के अंदर पहले से ही चल रहा है, उन्होंने तो रिप्लेस कर दिया होगा सिम कार्ड वाले मोबाइल को, नहीं किया उन्होंने अभी भी। उनके साथ में मतलब कई सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं अगर उनकी सर्विस लेनी है। उनका तो बस यही मानना है कि भैया रिमोट एरियाज वगैरह के अंदर जहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है वहाँ पर हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, और कई सारी मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं एडवेंचर के लिए, और भी मतलब ट्रैकिंग वैकिंग कुछ ना कुछ करते रहते, तो उसके अंदर शायद उनकी जान को रिस्क हो सकता है, तो वहाँ पे वो इस तरीके का इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर टावर वावर या सिम कार्ड वाले इंटरनेट नहीं आ रहे होते। दोस्तों इंटेल ने लॉन्च कर दिया है दुनिया का सबसे तेज सीपीयू, जो कि 6.2 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ तो आता है, वो भी विदाउट ओवरक्लॉकिंग, मतलब कोई ओवरक्लॉकिंग है ही नहीं, नॉर्मली ही उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी। इस मॉडल का नाम है i9-14900KS। ये 24 कोर के साथ में आता है और 32 थ्रेड इसके अंदर मौजूद हैं, और इसके अंदर आपको 100 मेगाहर्ट्ज़ का बूस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर थर्मल वेलोसिटी बूस्ट भी मौजूद है। अगर मान लो आपका टेम्परेचर सीपीयू का नॉर्मल 70 सेल्सियस तक रहता है या उससे थोड़ा कम रहता है, तो 100 मेगाहर्ट्ज़ का बूस्ट ऐसे ही दे देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भैया कोई बंदा राजस्थान में पीसी को यूज़ कर रहा है, कोई कश्मीर में कर रहा है, तो दोनों का टेम्परेचर अलग है। अब उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपका सीपीयू नॉर्मली कूल रहेगा अगर वो ठंडे इलाके के अंदर है, तो वहाँ पर जो भी आपको मतलब 70 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर मिलता है तो उसके अंदर ये बूस्ट भी ऑटोमेटिकली दे देगा। तो अगर आपका कूलिंग सिस्टम सही है, चाहे आप राजस्थान के अंदर रह रहे हो या फिर आप जुपिटर पर रह रहे हो, कूलिंग सिस्टम बढ़िया है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखा है, तो 100 मेगाहर्ट्ज़ का बूस्ट मिलेगा ही इसके साथ में। लेकिन पता नहीं ये कंपनी पूरा खुलासा नहीं करती है अभी, मतलब ये नहीं पता लगा कि भैया इसका आर्किटेक्चर कौन सा है, मतलब वो भी बताओ तो सही लगे ना। मतलब अच्छी बातें तो हैं कि भाई चलो सबसे तेज प्रोसेसर है, लेकिन ये भी चीज़ बतानी जरूरी है कि भैया आर्किटेक्चर कहाँ तक पहुँचा है तुम्हारा। अभी भी 14nm पे हो, 7nm पे पहुँचे नहीं पहुँचे, कहाँ पे है ये, मतलब देखना पड़ेगा। देख के तो खैर बता ही दूंगा, लेकिन वो भी शो करना चाहिए। ये खाली अभी जो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आर्टिकल के अंदर, वहाँ पे बस 6.2 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है इसकी नॉर्मली, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन बिजली कितनी खाएगा मेरी वो भी तो जानना ज़रूरी है। दोस्तों ETH Zurich नाम की एक कंपनी है जिन्होंने अनवील कर दिया अपना एनिमल रोबोट, जो कि अर्बन एनवायरनमेंट के लिए ही बना है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, उसके चलने के ढंग से ही पता लग जाता है। और इसकी लैग देखकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वो बनाई ही इस पर्पस के लिए गई है कि टूटे फूटे इलाकों में जा पाए। इसके अंदर कैमरा है, AI है जो कि इसको गाइड करती है कि किस तरीके से तुम्हें इस मुश्किल ट्रेल से निकलना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ AI डाल दी और ये सीख गया, नहीं, AI को भी टाइम लगता है अपने न्यूरल नेटवर्क में डेटा गैदर करने में और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट करने में कि किस ट्रेल के साथ में किस तरीके से तुम्हें एग्जिट लेनी है या फिर किस तरीके से निकलना है। तो ये AI धीरे धीरे करके परफेक्ट हुआ है और अब ये कहीं पर भी जा सकता है, खासतौर पे उन इलाकों के अंदर जहाँ पर उबड़ खाबड़ जगह है, जहाँ पर ह्यूमंस को नहीं भेजा जा सकता है, ये किसी तरीके से घुस जाएगा, वहाँ पर निकल भी जाएगा। खासतौर पर टूटी फूटी बिल्डिंग्स के अंदर इसे भेजा जा सकता है, जहाँ पर ये अंदर जाके जायजा ले सकता है कि सिचुएशन किस तरीके की है, तो ये उस पर्पस के लिए बनाया गया है। दोस्तों एलोन मस्क की टेस्ला को इंडिया के अंदर आना था, लेकिन किसी तरीके से गवर्नमेंट से उनकी बातचीत चल रही थी, जो कि एंड मौके पर अब यहाँ पर जाके पहुँच चुकी है उस जगह पर जहाँ पर 15% की इम्पोर्ट ड्यूटी उन पर लगाई जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि भैया तुम एलोन मस्क हो तो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी रख देते हैं, ना, इंडियन गवर्नमेंट ने सभी दुनिया भर के इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को इन्वाइट किया इंडिया के अंदर कि आप आओ अपनी कारें लेके, सिर्फ 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। अगर आप 4,150 करोड़ रुपये इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हो और 3 साल के अंदर
अंदर अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर देते हो इंडिया के अंदर जहां पर अपनी कारें मैन्युफैक्चर करोगे, तो ये 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी आपके व्हीकल के ऊपर, जो उन 3 सालों के अंदर आ रही होगी इंडिया के अंदर बिकने के लिए। और ऊपर से जब इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर दोगे तो भैया और भी कम हो जाएगा टैक्स, तो उतना ज़्यादा आपको दिक्कत की भी नहीं, ये इंपोर्ट ड्यूटी लगनी ही नहीं। और इसी के साथ साथ ये जो 15% का लगेगा ना टैक्स, जो इन 3 सालों के अंदर तुम कारें इंडिया के अंदर भेज रहे होगे बेचने के लिए, वो 28 लाख तक होनी चाहिए या 28 लाख से महंगी होनी चाहिए, तब जाके उन पर 15% का टैक्स लगेगा। लेकिन 28 लाख से कम की हुई तो भैया वही लगेगा जो लग रहा था 100% का। दोस्तों, हमें से कई सारे लोग डॉग्स को पालते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है जिसके अंदर 23 डॉग ब्रीड्स को बैन किया जा सकता है, जिसके अंदर रॉटविलर, मैस्टिफ, पिटबुल भी शामिल है, क्योंकि बढ़ते डॉग्स के अटैक को देखते हुए ये प्रपोजल रखा गया है कि भैया ये डेंजरस डॉग ब्रीड्स के अंदर कंसिडर किया गया इनको, और उसके बाद में अब शायद आने वाले वक्त में बैन किया जा सकता है। ऐसा प्रपोजल तो रखा गया है कि भैया किया जाए बैन या नहीं किया जाए, तो कई सारे लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि कई सारे लोगों के पास में रॉटविलर, मैस्टिफ, पिटबुल होगा। लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं, जिनके पास में है वो पाल सकते हैं, लेकिन इनकी ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं इस प्रपोजल के अंदर, ऐसा कहा जाएगा अगर ये पास होता है। हालांकि नहीं होना चाहिए पास, क्योंकि मैं भी पेट ओनर हूँ, मेरे पास में भी 2 डॉग हैं, तो भैया मुझे तो बुरा लग रहा है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती मालिक की होती है। अगर आप अपने डॉग को अच्छे से ट्रेन करोगे तो भैया वो किसी पर अटैक नहीं करेगा, सभी के आगे पूंछ हिलाता रहेगा और खुश रहेगा। लेकिन जब तुम डॉग्स के साथ में बिहेवियर सही नहीं रखोगे, वो भैया धीरे धीरे एग्रेसिव होता चला जाएगा, जिसके बाद में होगा ये कि भैया वो अटैक करता रहेगा किसी ना किसी पे, मतलब हर दूसरा बंदा उसे बस एक डेंजर, खतरा ही लगेगा, जिसकी वजह से वो उस पर अटैक करेगा। तो डॉग को ऐसा बनाओ जिससे कि वो सबसे घुल मिल सके। हालांकि यहाँ कई लोग सोचेंगे चोर आ गया घर में, तो कोई दिक्कत नहीं, चोर भी बिस्कुट ही खिला के जाएगा उसे।